यूपी के मैनपुरी में इलाहाबाद निवासी फिरोज खां पुत्र बशीर अहमद के खिलाफ अवैध शस्त्र फैक्ट्री और अन्य मुकदमे दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी लोहे का कारखाना चलाने के नाम पर अवैध शस्त्रों का निर्माण करता था। वहीं तहसीलदार और एसओ ने पुलिस टीम के साथ चल अचल संपत्ति बरामद की। थाना अध्यक्ष एलाओ सुनील भारद्वाज ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 2021 में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन का अभियोग दर्ज किया गया था। वहीं 4 महीने पूर्व गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आरोपी की लगभग 1,50,00,000 की चल अचल संपत्ति को बरामद किया गया है। मैनपुरी के एलाऊ थाना अंतर्गत अफरोज जो शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है, उसके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर के तहत 14(1) के अंतर्गत उसकी 1,51,00,000 की प्रॉपर्टी सीज की गई है, जो उसने अवैध तरीके से अपराध कारित करके संपत्ति अर्जित किया है। इसमें उसकी एक फैक्ट्री और उसका मकान सीज किया गया है।